डोंट बाय टोयोटा हेरेडर और ग्रैंड विटारा बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। जैसा कि आपने मेरा टाइटल एंड थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं मारुति की एक अपकमिंग क्रॉस के बारे में जिसका नाम है बलेनो क्रॉस। ये क्रॉस 2023 में लॉन्च होने जा रही है। इस गाड़ी के बारे में हम इन डिटेल बात करेंगे। इस गाड़ी में आपको कितनी डायमेंशन देखने को मिलेगी इंक्लूडिंग इंटीरियर एक्सटीरियर लुक्स एंड ऑल अदर माइनर डिटेल्स। सो मेरी वीडियो को ध्यान से देखना ताकि आप कोई भी डिटेल्स स्किप ना कर पाओ। उससे पहले मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पे कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पड़ी रहती है दैट विल हेल्प यू टू बाय राइट कार अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। सो यहाँ पे कर दी अपनी वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले इस गाड़ी के डायमेंशंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। इस गाड़ी में आपको विड्थ ऑलमोस्ट सेम बलेनो जितनी देखने को मिलेगी। हाइट की बात करूं, हाइट आपको बलेनो से थोड़ी ज्यादा देखने को मिलेगी क्योंकि ये क्रॉसओवर है। पर अगर मैं लेंथ की बात करूं, लेंथ आपको सेम नॉर्मल बलेनो जितनी ही देखने को मिलेगी, यानी कि 3999 mm की। इस गाड़ी को कंपनी को 4 मीटर से कम रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस गाड़ी को 4 मीटर से ज्यादा रख दिया इस गाड़ी में टैक्स रेट भी ज्यादा लगेगा, जिसकी वजह से इसका प्राइस भी ज्यादा होगा, फिर ये कंपटीशन में नहीं आ पाएगी। सो अब जल्दी से कर लेते हैं इस गाड़ी के एक्सटीरियर लुक्स की बात। फ्रंट की बात करें, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, इसमें भी आपको सेम स्टाइल देखने को मिलेगा जो आपको ग्रैंड विटारा में देखने को मिलता है। वही DRLs, वही LED लाइट्स एंड उसी टाइप की आपको ग्रिल देखने को मिल जाएगी। सो ओवरऑल आपको फ्रंट से ग्रैंड विटारा वाली लुक देखने को मिल रही है। साइड लुक की बात करें, साइड से जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, इसमें आपको डोर्स नॉर्मल बलेनो वाले ही देखने को मिलेंगे इंक्लूडिंग अलॉय व्हील्स। अगर बैक लुक की बात करें, बैक में आपको इसमें न्यू स्टाइल की LED लैंप्स देखने को मिल जाएंगी, यानी कि फुल LED टेल लैंप्स, जो देखने में काफी सुंदर होने वाली है एंड वो नॉर्मल बलेनो से साइज में थोड़ी ज्यादा बड़ी होगी। रूफ की बात करें, रूफ में आपको इस गाड़ी में छोटे से रूफ रेल्स देखने को मिल जाएंगे विद शार्क फिन एंटीना एंड एक छोटा सा सनरूफ। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस गाड़ी में आपको फुल पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिल जाएगा, पर वो लोग बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर इस गाड़ी में फुल पैनोरामिक सनरूफ दे दिया मारुति ने, सो ये ग्रैंड विटारा के लिए खतरा है। सो अगर इस गाड़ी के इंटीरियर की बात करें, इंटीरियर में आपको वही डैशबोर्ड देखने को मिलेगा जो आपको नॉर्मल बलेनो में देखने को मिलता है एंड वही आपको 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाएगा विद सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल विद रियर AC वेंट्स। सीट्स की बात करें, आपको फ्रंट टू वेंटिलेटेड सीट्स देखने को मिलेगी। बैक सीट में आपको इस गाड़ी में आर्मरेस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस गाड़ी में आपको रूफ में सनरूफ भी देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल राइड क्वालिटी इसकी बेटर होने वाली है एज कम्पेयर टू बलेनो। इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, इस गाड़ी में आपको 6 एयरबैग्स, ABS-CVT, हिल असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि इस गाड़ी की सेफ्टी और इम्प्रूव्ड हो जाएगी एंड इस गाड़ी में भी आपको सेम बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलेगी जो आपको नॉर्मल बलेनो में देखने को मिलती है, यानी कि ठीक ठाक है एवरेज। सो अगर बात करें इस गाड़ी के इंजन ऑप्शंस की, इस गाड़ी में आपको 2 इंजन ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। एक 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो आपको बलेनो RS में देखने को मिलता था एंड दूसरा आपको 1.2 या 1.5 लीटर का नॉर्मल पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाएगा। ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि इस गाड़ी में आपको 1.2 या 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिल सकता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस गाड़ी में आपको फुल हाइब्रिड इंजन देखने को मिलेगा, वो लोग यहाँ पे बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर इस गाड़ी में कंपनी ने फुल हाइब्रिड इंजन दे दिया जिसकी वजह से इसका प्राइस भी ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू ब्रेजा या कह सकते हैं आप ग्रैंड विटारा, सो ये टोटली फ्लॉप शो होने वाली है। कंपनी को इसका प्राइस ग्रैंड विटारा से डेफिनेटली कम करना पड़ेगा। अगर इसका प्राइस ब्रेजा के जितना हो गया है, ब्रेजा से भी कम, तब ये टोटली हिट हो सकती है। सो ये थी मेरी वीडियो अबाउट डोंट बाय ग्रैंड विटारा और टोयोटा हेरेडर बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप टोयोटा हेरेडर या ग्रैंड विटारा का टॉप एंड वेरियंट नहीं ले पा रहे, आप इस गाड़ी का भी वेट कर सकती हैं, क्योंकि इसका टॉप एंड वेरिएंट थोड़ा सस्ता होगा एज कम्पेयर टू दोस कार्स। सो यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड। टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।